टर्की में कोरोना वायरस की मरीज 70,000 क्रॉस कर चुका है और 13,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान से भी बहुत खराब हालत हो चुकी है तुर्की की। अभी से 3 दिन पहले तक वह लॉकडाउन नाम की कोई चीज नहीं थी। तुर्की ब्रिटेन और अमेरिका को अपने मास्क और दवाई प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन तुर्की अपने देश के लोगों के लिए मास्क और दवाई स्टॉक में ना रखकर बाहर भेज रहा था और अब उल्टा वहाँ पर कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ गए हैं, जिसे वो लोग कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति खुद ही राजधानी छोड़कर भाग गए हैं अपने महल में। वहाँ पर इस स्थिति को संभालने वाला कोई खास रहा भी नहीं है। वहाँ पर लोगों के पास ना तो मास्क है और ना ही दवाई है। भारत सरकार ने जैसे इमीडिएट लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन वहाँ लॉकडाउन करने की 2 दिन पहले ही सरकार ने बोल दिया कि 2 दिन बाद से लॉकडाउन चालू हो जाएगी और यही कोरोना वायरस के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। 2 दिन का समय दिया लोगों को और सब लोग बाजारों में भाग पड़े, जिसके कारण संक्रमण होने का खतरा बढ़ा और अब ना ही उन लोगों के पास मास्क है और ना ही दवाई है और ना ही स्थिति संभालने वाला कोई है। उनके खुद का लीडर कोरोना होने के डर से अपने महल भाग गया है। अगर लॉकडाउन से पहले भारत में भी ऐसा टाइम दिया जाता तो हमारे देश का क्या हाल होता। यही फर्क है मैनेजमेंट का और मिसमैनेजमेंट का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।